तो YouTube पर आप पहली बार देखेंगे कि इंग्लिश में अगर जिसे कुछ भी ना आता हो वो बिना पढ़े बिना याद किए 100 में 100 में 70 नंबर लेकर आएगा ए लाइव प्रूफ के साथ। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे बोर्ड एग्जाम 2023 के अगर आप छात्र हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इंग्लिश में बिना पढ़े बिना याद किए 70 नंबर कैसे लाया जाए आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। देखिए 100 नंबर का आपका और कक्षा 10 वालों का 70 नंबर का, ठीक है। तो अगर आपका 100 नंबर का पेपर है तो आप 70 नंबर कैसे लेकर आएंगे और अगर आपका 70 नंबर का पेपर है आप 50 नंबर कैसे लेकर आएंगे ये आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, ठीक है। देखिए टीचर खुश होकर आपको पूरा नंबर देगा। यूट्यूब पर आपको हजारों ऐसी वीडियो देखी मिले होंगे और आपने देखा होगा जिसमें आपको ट्रिक बताया जाता है कि इंग्लिश में एक ट्रिक लगा दो आपका 100 नंबर पक्का हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में कोई ट्रिक आपको हम बताने वाले नहीं है बल्कि आपको पूरी जानकारी एकदम बारीकी से आपको बताएंगे कि कैसे आपको नंबर मिलेगा, कैसे आपको लिखना है, कैसे क्या करना है। देखिये बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी साथ लेकर आए, बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी आज की इस वीडियो में साथ लेकर आए पूरी व्यवस्था के साथ कि कैसे आपको क्या क्या करना है, ठीक है। देखिए टीचर खुश होकर पूरा नंबर देगा अगर आप आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे और अगर आप की राइटिंग खराब है तो क्या करें, आज की इस वीडियो में सभी चीजों पर हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें हम आपको बताएंगे जो आज से पहले YouTube पर आपको किसी ने नहीं बताया होगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों समय आज बहुमूल्य है आपके लिए, एक महीना आपके लिए गोल्डन पीरियड है, मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए चलिए आज की इस वीडियो को बिना समय गवाते हुए हम शुरू करते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, आज की इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हो तो आप बिना पढ़े बिना याद किए इंग्लिश में 100 में 70 लेकर जरूर आओगे, इसकी 100% गारंटी है। लाइव प्रूफ में दिखाऊंगा। सबसे पहले आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, आप वीडियो देखिए, उसके बाद जब आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और ना पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखें सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलेगी, ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब इस कॉपी को आपको अच्छे से भर लेना है, एकदम ध्यान से अपने दिमाग को सही से अच्छे तरीके से करके इसे आपको भर लेना है। अब देखिए इसे रखते हैं अब हम लोग साइड में। अब देखिए मेन चीज आती है, अब इस कॉपी पर आपको सबसे पहले लाइनिंग पार लेनी है किनारे किनारे, ठीक है। तो लाइनिंग सबसे पहले आपको पार लेनी है, स्केल भी लेकर आए, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको लाइनिंग इस तरह से पार लेनी है ताकि आपकी कॉपी देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगे, क्योंकि टीचर को खुश करना है ना, तो इसलिए लाइनें उन्हें सब अच्छे से पार लो बाबू, ठीक है। देखिए हो सके तो आप दोनों ओर पार लो क्योंकि कॉपी बहुत लंबी होती है और उससे भरने में आपके लिए बहुत ही कठिनाई होगी, तो इसलिए क्या करना है दोनों ओर आपको इस तरह से पार लेना है, ठीक है। देखिए अब हो गया आपका पार लिया, ठीक है। और देखिए ये है बाबू क्वेश्चन पेपर, ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर है। अब इसमें एको अक्षर से भेंट नहीं है, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या लिखे क्या करे, कोनो समझ में नहीं आ रहा, एकदम लुल्ल हो आप। अब देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से अब आपको अपना पेपर को सॉल्व करना है जिससे टीचर खुश होकर आपको पूरा नंबर दे, ठीक है। अब देखिए ये पेपर है बाबू, ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर है, वैसे तो मॉडल पेपर सेम इसी तरह का रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए ये पेपर है आपका, ठीक है, अब इसमें आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, बात समझ रहे हैं, अब इसमें आपको कुछ भी नहीं आ रहा, समझ ही में नहीं आ रहा कि अब हम शुरू कहां से करें, ठीक है। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, हम आपको बताएंगे। अब देखिए इतने सारे क्वेश्चन हैं लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा बाबू हम लिखे कहां से, ठीक है। देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें एक को अक्षर आपको आ नहीं रहा है, अब आप घबरा जाएंगे कि हम लिखे तो लिखे क्या, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, सबसे पहली चीज है यही सबसे मेन चीज है, यही आपका 50 नंबर दिलाएगा, ठीक है, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं। देखिए अब कैसे, ये देखिए ये पहला सेक्शन ए रीडिंग आता है। अब देखिए ये अनसीन पैसेज है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी ये पैसेज दिया गया है और इसके नीचे जो क्वेश्चन है उनका आंसर आपको देना है, ठीक है। तो करना क्या है, देखिए सबसे पहले आपको डालना है क्वेश्चन आंसर नंबर क्वेश्चन 1 का ए, ठीक है। अब देखिए इस ए में क्या कहा जा रहा है, Why is man called a gregarious animal? अब इसे लिखना कैसे है, ठीक है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर नंबर ए का ए डाल दे, एक का ए आपको डालना है। अब देखिए क्वेश्चन आंसर नंबर इसको आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है, बात समझ रहे, थोड़ा राइटिंग बैठा कर लिखेंगे ना तो बाबू कोनो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन आंसर नंबर, ठीक है, क्वेश्चन आंसर नंबर 1 का, देखिए कहां है,
एक है ना, तो एक का पहला वाला आप कर रहे हैं तो ए डाल देंगे, ठीक है, बात समझ रहे हैं, ए डाल दी। अब इसको आप अगर आप लोग ऐसे लाइनिंग पार देते हो ना तो ये देखने में और भी सुंदर लगने लगेगा, ठीक है। देखिए देखिए इसकी अट्रैक्शन थोड़ा और बढ़ गई, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखना क्या है, देखिए क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, व्हाई इज मैन कॉल्ड एग्रेजियस एनिमल। अब हमें समझ ही में नहीं आ रहा है पूछ का रहा है क्वेश्चन में, अब आपको बताते हैं बाबू, दिमाग लगाना है यहीं पर, ठीक है। देखिए अभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे, व्हाई इज मैन कॉल्ड ए ग्रेजियस एनिमल। अब ग्रेजियस और एनिमल को आपको इसमें ढूंढना है जल्दी जल्दी। देखिए मैन इज ए ग्रेजियस एनिमल, ओ लाई तो पहले ही मिल गया, मैन इज ग्रेजियस एनिमल लिविंग इन सोसाइटी। अब क्या करना है बाबू, देखिए यहां से उठाना है पैसेज को, ठीक है, बात समझ रहे। अब इस पैसेज को यहां से लाकर यहां तक तीन नंबर में पूछा गया है तो कम से कम तीन से चार लाइन आप लिखो, ठीक है। देखिए अब क्या करना है, इस पैसेज को आराम से थोड़ा राइटिंग बैठाना है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। मैन इसे ग्रेजियस एनिमल यहां से उठाना है यहां तक लिख देना। अब देखिए लिखना कैसे, एक लाइनिंग आपको छोड़ देनी है, ठीक है। अब देखिए मैन इज ए यहां से शुरू करना, इसी में देख देख लिखो, ऐसा नहीं आपको अपने मन से लिखना, ठीक है। मैन इज ए ग्रेजियस एनिमल, ग्रेजेरियस एनिमल, ठीक है। उसके बाद आपको यहां तक लिख देना है आवर लिप्स तक, ठीक है, तीन लाइन लिख देनी, तीन से चार लाइन, ठीक है, आवर लिप्स। अब आपको यहां पर फुल स्टॉप लगा देना है, इतना आपको लिख देना है, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा बी वाला भी करना है, व्हाट क्रूशियल रोल डू योर डू आवर नेबर्स प्ले इन आवर लिप्स। अब इसको भी इस तरह से लिखना है, देखिए आवर नेबर्स, इसमें जो मेन चीज होता है ना उसी को खोजना है, क्रूशियल रोल डू आवर नेबर्स प्ले इन आवर लिप्स, ठीक है। अब यहां पर जो आपको मिल रहा है, ठीक है, देखिए प्ले इन आवर लिप्स, ठीक है, आवर लिप्स प्ले, ये सब चीजें इसमें खोजनी, जो मिल जाए वहीं पर आपको समझना है, ठीक है। देखिए मैंने द सोसाइटी दे प्ले ए क्रूशियल रोल इन आवर लिप्स। देखिए अब आपको करना है क्या बाबू, ठीक है, क्या करना है, नेबर्स मिल भी मिल गया, आप देखिए नेबर्स भी यहां पर लिखा है, तो यहां से आपको करना है हिज नेबर्स आर द पीपुल, हिज से उठाकर आपको यहां तक लिख देना, ठीक है, बींग्स तक, ठीक है, हिज से उठाकर आपको यहां तक लिखना है। देखिए एक फुल स्टॉप आ जाता है यहां पर, आवर लिप्स यहां तक लिख देंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, हिज से उठाकर आवर लिप्स तक, इसमें भी वहीं तक आपको लिख देना, ठीक है। तो इस तरह से आपको फिर क्वेश्चन आंसर नंबर तुरंत डालना है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर नंबर वन का बी वाला है ना बाबू, ठीक है, तो बी वाला है, तो इसलिए इसको भी आपको ऐसे थोड़ा अट्रैक्शन यानी इसके सुंदरता बढ़ाने के लिए आपको इसको डबल लाइनिंग में कर देना है, बात समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसको आपको लिख देना है, व्हाट क्रूशियल रोल डू यू आवर नेबर्स प्ले इन आवर लिप्स। अब यहां से उठाना है हिज से और यहां तक आपको लिख देना है लिप्स तक, ठीक है, हिज नेबर्स यहां तक लिख देना, आवर लिप्स तक, ठीक है। देखिए अब आपको ये सब चीजें लिख देनी है, हम पूरा थोड़ी ना लिखेंगे, आप अगर पूरा लिखेंगे तो दो तीन घंटे की वीडियो हो जाएगी, अब आपको होगी दो तीन घंटा आप ले लिए, तो समय बहुत कम है, मैं आपको बारीकी से समझा रहा हूं, बस आपको समझने की जरूरत है। तो इतना अगर आप लिख देंगे ना तो ये तीन नंबर का ना एग्जामिनर एकदम बिल्कुल खुश हो जाएगा और तीन नंबर फटाक से आपको दे देगा, ठीक है। देखिए एग्जामिनर क्या होता है ना, जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है ना, जितनी ज्यादा वो कॉपी चेक करेगा उतनी ज्यादा उसको पैसा मिलेगा। अब आज के जमाने में बाबू सबको पैसा चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं, अब कोई ईमानदारी और कोई बात आज की दुनिया में नहीं चलती, अब सिर्फ और सिर्फ पैसा चलता है। अगर आपको विश्वास ना होता हो ना तो कहीं पर आप
बिना पैसे के चले जाइए, उसके बाद देखिए आपको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा, आपके दोस्त ही आपका साथ छोड़ देंगे जब आपके पास पैसा ना होगा, ठीक है। तो जामना जो होता है, जितनी ज़्यादा वो कॉपी चेक करेगा उतनी ज़्यादा उसको पैसा मिलेगा, तो वो क्या करता है ना, जल्दी से जल्दी बस उसको कॉपी भरी नहीं रहनी चाहिए और जो आपका वर्ड है ना, ये वर्ड आपका क्वेश्चन में मैच होना चाहिए, इतना वो देखता है, उसके बाद फटाक से आपको नंबर देता चले जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर थोड़ा गड़बड़ लगती है तो ये 3 नंबर का है, इस पर 1.5 नंबर आपको देगा, लेकिन नंबर देगा, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, नंबर देगा एग्जामिनर, नंबर पूरा नहीं काटेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करता है एग्जामिनर, कभी कभी अगर थोड़ी बहुत गलती उसे लगता है, पूरा पढ़ता नहीं एग्जामिनर कि आपका पढ़ेगा कि हिज नेबर आंसर मिलेगा मिलाएगा इसमें कि अनसीन पैसेज कहाँ से लिखा है, कोई गलती तो नहीं है, ऐसा नहीं करता, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इस तरह से लिख देना है जैसे मैंने बताया। इसके देखिए 15 नंबर का अनसीन पैसेज होता है बाबू, अगर 15 नंबर में आपका, 15 नंबर में मान लीजिए 3 नंबर आपका कट गया, 12 नंबर तो मिल रहा है ना इस ट्रिक से, तो ऐसे आपको अपनी कॉपी को सॉल्व करना। अब देखिए और भी हम बताते हैं, ठीक है। देखिए अनसीन पैसेज को इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। एग्जामिनर बिल्कुल खुश हो जाएगा, कोई गलती नहीं रही, बस आपको इस सब चीजों पर ध्यान देना है, पहला पेज थोड़ा अच्छे तरीके से लिखना है, ठीक है बाबू। देखिए एक और क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं कैसे करना, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, ठीक है। सी वाले में क्या करा, हाउ इज लविंग आवर नेबर्स इक्वल टू लविंग गॉड। अब नेबर्स इक्वल, इस सब चीजों को वर्ड को आपको इसमें खोजना, ठीक है। देखिए नेबर्स इक्वल लविंग टू गॉड, लव आपको खोजना है बाबू, देखिए बात समझ रहे हैं, लव लविंग है ना, तो यहां पर लव, सिर्फ लव आपको खोजना है, ठीक है। देखिए क्लोजर टू गॉड यहाँ पर हो गया, लव सिमिलरली आवर कंपेरिजन नेबर्स, देखिए नेबर्स भी है तो नेबर्स भी यहाँ पर आ गया। अब देखिए करना क्या, अब यहाँ से आपको लिखना है, ठीक है, इट सब्सक्राइबर से उठाना है और यहाँ तक रेसिप्रोकेट तक आपको लिख देना है। देखिए 3 नंबर का है ना, कम से कम इसमें 4 से 5 लाइन आपको लिखना होगी, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ से आपको लिखना है, ठीक है, हाउ इज लविंग आवर नेबर्स, इस तरह से आपको क्वेश्चन आंसर डालना है, क्वेश्चन आंसर 1 का सी वाला है ना बाबू, ठीक है, तो सी डाल लेना है। उसके बाद आपको यहां पर स्केल से थोड़ा इसे पार देना है, ठीक है, अब देखिए अब आपको लिखना है हाउ इज लविंग आवर नेबर्स इक्वल टू लविंग गॉड, ठीक है। तो अब इट सब्सक्राइबर से उठाना है, ठीक है, देखिए कलम थोड़ा बदलने, कहां गई कलम, हाँ मिल गई बाबू, ठीक है। देखिए इट सब्सक्राइबर टू द तक, हम आपको लिखकर थोड़ा ही बताएंगे, अब देखिए इतना कर रहे हैं, उसके बाद आप समझिए, ठीक है। इट सब्सक्राइबर टू द व्यू, ठीक है, यहाँ से उठाकर बींग्स तक इतना लिखेंगे तो कम हो जाएगा, ठीक है। तो कम क्लोजर टू गॉड, इट सब्सक्राइबर से टू गॉड तक आपको उठाकर लिख देना है, टू गॉड, ठीक है, 4 से 5 लाइन यहाँ पर हो जाएगी। थोड़ा क्या करना है आपको, थोड़ा दूर दूर लिखना था कि देखने में अच्छा लगे, ठीक है। अब देखिए अनसीन पैसेज आपको इस तरह से कंप्लीट करना है, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप 5 क्वेश्चन को इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए आता है सेक्शन बी राइटिंग आता है, देखिए बात समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 से 150 वर्ड्स, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या, अब कहेंगे सर आपने अनसीन पैसेज तो समझा दिया तो हम कर ही ले जाएंगे, लेकिन अब आर्टिकल को कैसे लिखेंगे, अब देखिए इसको भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना शुरू, सबसे पहले तुरंत आप डालिए हेडिंग, ठीक है, हेडिंग डालिए क्वेश्चन सेक्शन बी राइटिंग, सबसे पहले आपको इसका सेक्शन बी राइटिंग लिख देना है, ताकि एग्जामिनर जो होता है ना उसको परेशानी ना हो बाबू, जब परेशानी होगा तब आपका नंबर काटेगा, तो इसलिए अगर उसे आराम लगेगा कि हाँ लड़के ने अच्छे से लिखा, मुझे खोजने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, तब वो आप पर खुश होगा और आपको नंबर देता चला जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन बी राइटिंग आपको इस तरह से लिख देनी है, उसके नीचे क्वेश्चन दूसरा आंसर नंबर दूसरा, या क्वेश्चन आंसर लिखो या आंसर नंबर लिखो, ठीक है, क्वेश्चन आंसर नंबर टू, ठीक है। अब इसमें जो आप लिख ले रहे हैं, ठीक है, जैसे देख लिए बी वाला लेकिन ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ द आवर इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, अब इंडिया ए लैंड ए पर अगर आप लिख रहे हैं तो ए डालेंगे, अब इसका भी आपको हेडिंग डाल देना है, इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, ठीक है, इंडिया
ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, ए लैंड ऑफ नेचुरल ठीक है। अब इतना आपको डालना है, उसके बाद आपको क्या करना है ऐसे लाइनिंग पार देनी ठीक है। अब देखिए आर्टिकल में थोड़ा आपको दिमाग लगाना ठीक है, ये आर्टिकल जो होता है ना ऐसे कितना आपको लिखना होता है ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे में क्या डाला जाता है, इंट्रोडक्शन ठीक है, इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ठीक है। इसको भी आपको हेडिंग इस तरह से डाल देनी है। इंट्रोडक्शन ठीक है बाबू। देखिए अब यहां पर क्या करना है, इसी को सबसे पहले लिखना है, इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी ब्यूटी, इसको आपको लिख देना ठीक है, इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी। अब क्या करेंगे, देखिए इतना तो आप लिख लेंगे, अब क्या करेंगे, अब सेम आपको देखिए देखते हैं कौन और इसको पैसेज है तो वहां से आपको लिए चलते हैं ठीक है। अब देखिए यहां पर पैसेज है लेकिन तो ससुरा हिंदी में है, इसे कैसे लिखेंगे ठीक है। पैसेज को नहीं है, यह पहला पैसेज है, इसी से सब कुछ बनाना ठीक है। देखिए इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, अब आपको पैसेज के किसी बीच जगह से उठाना ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता ना चल सके कि लड़का चीटिंग किया है ना ठीक है। तो देखिए हम आपको चीटिंग करना नहीं बता रहे हैं ठीक है, चीटिंग तो हम सही से बोल ही नहीं पा रहे हैं तो आपको बताएंगे कैसे ठीक है बाबू। तो देखिए हम आपको सिखा रहे हैं कि अगर आप फेल होते हो तो फेल होने से हम आपको बचा रहे हैं ठीक है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं बस आप सब कुछ छोड़कर इसके भरोसे हो जाओ, ऐसा नहीं है। हम उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहे हैं जो वाकई फेल हो जाएंगे, उनको फेल होने से हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं भाइयों, ना कि आप लोगों को बिगाड़ने की, आप अपनी तैयारी मत करो ठीक है। देखिए क्या करना है, अब आपको यहाँ पर इतना लिख लिए, अब इसके आगे कहाँ से लिखोगे, कुछ याद ही नहीं है तो लिखोगे कहाँ से। अब देखिए हम आपको बताते हैं ना ठीक है, देखिए यहाँ से उठाना है दियर साइग्निफिकेंस वास, यहां से इसको नहीं, यहां से गलत हो जाएगा ठीक है। देखिए का इसी जगह से उठाओ जहां तक एग्जामिनर को पता ही ना चले ठीक है। तो आपको उठाना है यहां से द रिलेशन दिस रिलेशनशिप, यहां से उठाना है और यहां तक ठीक है, दो लाइन आपको लिखनी, इंट्रोडक्शन छोटा सा लिखना होता दिस रिलेशनशिप कैन, यहां से दिस रिलेशनशिप से आवर नेट तक, इतना आपको उठाना है। उसके बाद आपको हेडिंग डालनी है, दो दो और हेडिंग डाल देनी, कौन हेडिंग डालनी है अब क्यों बताते हैं अभी ठीक है। देखिए यहां पर आपको ऐसी पार लेना है लाइनिंग जैसे हम बताए हैं ठीक है। देखिए ऐसे लाइनिंग पार लेते हो तो एग्जामिनर वो भी खुश हो जाएगा ठीक है, लाइनिंग ऐसे आपको पार लेनी है। अब आपकी हो गई लाइनिंग, अब देखिए यहाँ पर हेडिंग एक और हेडिंग डालनी है, जैसे यहाँ पर आप क्या हेडिंग डालो ना ठीक है, जैसे आपने इंट्रोडक्शन लिखा, अब क्वालिटी इंट्रोडक्शन इंडिया, अब देखिए इंडिया आपको लिखना है सबसे पहले, इंडिया इज ग्रेट ठीक है, इंडिया इज ग्रेट, यानी ऐसे का मतलब क्या होता है उसके बारे में विस्तार से बताना, इंडिया इज ग्रेट, इंडिया महान है लेकिन महान कैसे है, अब इसमें से आपको उठाना ठीक है। देखिए यहां से उठाना है, देखिए ही डियर साइनिफिकेंस, यहां से डियर से उठाना है और आपको क्लोजर टू गॉड तक लिख देना है, यहां से उठाकर आपको यहां तक लिख देना है डियर साइनिफिकेंस ठीक है। यहां तक लिख देना, अब आपको दो से तीन चार हेडिंग, तीन दो से तीन चार हेडिंग आपको इस तरह से लिख देने हैं, उसके शुरू में इंडिया इज, इंडिया इज लगाकर कुछ भी आप लिख सकते हो जो वर्ड आपको अच्छा लगता हो, जैसे इंडिया इज ए ग्रेट, इंडिया इज ए ब्यूटीफुल, इस तरह से आप बनाकर लिख सकते हो। अब आपको बताते हैं आगे क्या करना है, सभी चीजों को बताएंगे, जैसे आर्टिकल राइटिंग आपका हो गया, इस तरह से आप लिखोगे ना तो एग्जामिनर खुश होकर, आठ नंबर का है ना, दस नंबर का है तो आठ नंबर आराम से देगा और आगे बढ़ता चला जाएगा, नंबर देता चला जाएगा बाबू। अब देखिए क्या करना है, अब अगला प्रश्न आता है,
क्वेश्चन नंबर थ्री, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली सोइन योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग ऑफ डिस्पोजिबल वेयर्स। ठीक है, डिस्पोजिबल। ठीक है, अब देखिए आपको आर्टिकल राइटिंग तो हमने बता दिया, अब लेटर राइटिंग बात जाती है। तुरंत आपको हेडिंग डालनी है, रुकना नहीं है क्योंकि समय बहुत कम रहता है, 3 घंटे सिर्फ कहने के लिए होता है। जब आप लिखने बैठ जाएंगे ना तो 3 घंटे ऐसे पता चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। क्वेश्चन आंसर नंबर थ्री आप डालेंगे। अब यहां पर आप लेटर किस पर लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए लेटर जो होता है एप्लीकेशन को आपको समझना है। एप्लीकेशन में सबसे पहले क्या होता है बाबू, टू लिखना होता ना, ठीक है, टू। अब राइट ए लेटर टू, देखिए टू यहां पर आता है, टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली सो योर कंसर्न, नेशनल टू द एडिटर, टू यहां लिखे है, फिर यहां से आपको लिखना है द एडिटर, द एडिटर, एडिटर टू द एडिटर नेशनल डेली सो, नेशनल नेशनल डेली सो। ठीक है, इतना हो गया, 3 लाइन में इसे लिखना हो, नेशनल डेली सो। अब इसका पता लिख देते हैं, नेशनल डेली सो योर कंसर्न, डेली सो। अब आप अपने जिले का भी पता डाल सकते हैं, जैसे यहां पर हम डाल देते हैं अकबरपुर अंबेडकर नगर, ठीक है, अकबरपुर सेव कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ज्यादा भागने की जरूरत नहीं, अकबरपुर कर दिए। अब यहां से देखिए आपको लिख देना है सर, ठीक है, इतना आपको रट लो, बस इसके अंदर जो भी चीजें भरोगे कोई दिक्कत नहीं, सर लिखकर अब यहां से आपको लिख देना, ठीक है, यहां से आई, सबसे पहले यहां से शुरू करो आई, ठीक है, आई एम सोहन, ठीक है, आई एम सोहन, अपना नाम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आई एम सोहन, आई सेड दैट, आई सेड दैट, इतना आपको लिख देना। अब यहां से उठाना है, अब देखिए फिर वहीं पर आना है, ये जो है ना बाबू ये खजाना है, बात समझ रहे हैं, अब इस खजाने में आना, आप खोजना कहां से लिखना है, ठीक है, देखिए हम आपको बता रहे हैं, देखिए यहां से आपको लिखना है दिस रिलेशनशिप से आपसे उठाना है, आपको यहां मोस्ट तक पूरा छाप देना है, ठीक है, पूरा यहां से उठाकर यहां तक छाप देना है, इतना आप कर दिए। उसके बाद आपको योर ओबीडियंटली डालना है, योर योर ओबीडियंटली डियंटली, ठीक है, अपना नाम डाल दो, और यहां पर आपको डालना है दिनांक, ठीक है, दिनांक यानी डेट, डेट आप जहां जिस दिन आपका पेपर होगा उसी की डेट डाल देना, कोई जरूरी नहीं है। ओबीडियंटली में आप अपना नाम लिखो, चाहे एक्स वाई जेड कर दो, एक्स वाई जेड कर दो, ठीक है, और डेट वही डेट डाल देना जिस दिन आपका पेपर होगा, ठीक है। तो 10 नंबर यहां पर भी आपको एग्जामिनर आराम से काटेगा, बस यही चेक करेगा दो चीजें, टू द एडिटर सर यहां तक चेक करेगा, उसके बाद 10 नंबर का है, टोटल आपको 8 नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा। अब देखिए और बताते हैं हम आपको, ठीक है, तो 30 नंबर तो आपका क्लियर हो जाएगा ना, हो गया होगा, ठीक है, और आगे बताते हैं। देखिए यहां पर आपको आर्टिकल राइटिंग हो गया, लेटर राइटिंग, अब देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन, अब देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री इज कॉल्ड, अब देखिए इसमें कुछ बताना नहीं, जो आपको अच्छा लगे, जिस पर आपको लगता है, इसमें अनुमान लगाना है, किस किसी भी टॉपिक को लिख देना, ठीक है। उसके बाद देखिए द फ्रेज इंक्लूडिंग टुवर्ड्स मीन, इसमें से जो मर्जी आए वो सिलेक्ट कर दीजिए, जैसे देखिए जैसे इसमें आपने पहला सेलेक्ट करे तो इसमें पहला नहीं करना, इसमें तीसरा कर देना है, तीसरा या दूसरा कर देना, और इसके बाद ठीक है द सिनोनिम्स ऑफ मर्ज, इसमें आपको तीसरा चौथा कर देना है। हर क्वेश्चन में आपको अलग अलग सेलेक्ट करना, कोई एक तो सही होगा, ठीक है, आपको तुक्का लगाना है, याद आ तो नहीं रहा है कि इसका क्या होगा, तो आपको दिमाग लगाने की माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं, जिस पर मर्जी आए उस पर सेलेक्ट कर दो, बस आपको इसमें एक दिमाग लगाना है कि आपको हर क्वेश्चन में अलग अलग ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कोई एक कोई कम से कम 2-3 ऑप्शन तो इसमें सही होंगे, ठीक है, ना से भला, वही कहते हैं ना कुछ नहीं भला से 2-3 नंबर मिल जाए, ठीक है। अब देखिए चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच, अब इनडायरेक्ट स्पीच को कैसे लिखना है,
ठीक है, सब कुछ बता दे रहे हैं, लेकिन अब इसको कैसे लिखना है इसको देखिए ध्यान से देखना, ठीक है। तुरंत आपको नंबर डालना है क्वेश्चन आंसर, देखिए कॉपी ये भर गई, ठीक है, बहुत ही कम पन्ना था इसमें, ठीक है। आप देखिए बाबू कॉपी भर गई, लेकिन हमारा दिमाग थोड़ी ना आपका भरा है, ठीक है, कॉपी भरी है ना, तो आप देखिए आपको बताते हैं कैसे लिखना है। आप लोग वो सब पाल लेना जो किनारे किनारे लाइनिंग होती है, हम आपको बताते हैं। अब देखिए आगे देखिए क्वेश्चन आंसर नंबर 5, ठीक है। इतना आपको हेडिंग डालकर ऐसे ऐसे लाइनिंग कर देनी है स्किल से, ठीक है। अब देखिए यहां पर एनीवन किसी एक को करना है, सबसे पहले आपको इसको लिख देना, ठीक है, आई सेड, ठीक है, इसे काले पेन से लिखना है, इस प्रश्न को पूरा उतार देना, आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, अब इसका आंसर कैसे लिखना है पूरा उतार देना है, बस आपको आई सेड दैट लिखकर पूरा वही उतार देना है, इस तरह से आपको करना है, ठीक है बाबू। कुछ नहीं लिखने से अच्छा कुछ ना कुछ जरूर लिखो, चाहे क्वेश्चन ही उतार दो। अब देखिए चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच, इस तरह से सबको आपको कर देना है। अब देखिए अब क्वेश्चन आपको बताते हैं, ठीक है, देखिए ट्रांसलेशन हो गया, देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ट्रांसलेशन आपको कैसे करना, तुरंत आपको क्वेश्चन आंसर नंबर डालना है 6, क्वेश्चन आंसर नंबर 6, ठीक है, देखिए ऐसे डालना है, देखिए यहां पर क्या लिखा है, उन दिनों, दिन की तो आप डे जानते हैं ना, इसको तो इंग्लिश बना ही सकते हैं, उन दिनों, ठीक है, उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, जहाँ वह अपना भोजन खुद बनाते थे। अब इसका आपको तो आ ही नहीं रहा है, अब इसको आपको लिखना कैसे बाबू, सेम वही खजाना पर चला जाना है, पहला वाला जो खजाना हम तो आपको दिए हैं वहीं पर चला जाना है आपको। देखिए स्वामी विवेकानंद, यहाँ पर क्या आया है, स्वामी विवेकानंद, तो सबसे पहले इनका नाम लिख देना है यहाँ पर, बात समझ रहे हैं, स्वामी विवेकानंद, इतना आप लिखेंगे। आप देखिए इसी पैसेज में दिज रिलेशनशिप से उठाना है और यहां तक पूरा छाप देना है, दिज रिलेशनशिप, ठीक है, इस तरह से पूरा छाप देना है। इसमें अगर आपका 6 नंबर के, कितने नंबर का है ट्रांसलेशन, शायद 5 नंबर का है, ठीक है, देखिए 5 नंबर का है, तो 3 नंबर तो आपका इसमें देगा एग्जामिनर आराम से, कोई इसका इसमें शक वाली बात नहीं है, 3 नंबर आपको जरूर देगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब आता है सेक्शन डी लिटरेचर, ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 14 वर्ड्स ईच, ठीक है, हु आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे डू वर देयर से सूरबीवाल, ठीक है। अब इसमें आपको आ नहीं रहा है, तो आप देखिए दूसरा पद देखा, हु वाज राजकुमार शुक्ल, ठीक है, तो अब इसको आपको लिखना है, देखिए हेडिंग डालना है क्वेश्चन आंसर नंबर सेवन का, कौन सा वाला आप कर रहे हैं, 7 का ए वाला, तो ए वाला आपको ऐसे हेडिंग डाल ले रहे हैं, ठीक है, बात समझ रहे हैं, ए में आपको करना है, आपको लिखना है राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल, और क्या कह रहा है, व्हाट डिड द डू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण, अब इसको आपको लिखना कहां से है हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, चंपारण, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको यहां से उठाना है, ठीक है, बाय लविंग से उठाना है आपको, नेट तक छाप देना, और एक काम करना है, इसमें एग्जामिनर आपको तुरंत खुश होकर नंबर देगा,
ठीक है, गांधी जी और टू चंपारण को कहीं बीच में घुस देना है, घुसा देना है इसको, ठीक है, इसको जरूर घुसा देना है। इसे अगर आप लिखोगे तो एग्जामिनर देखिए, राजकुमार शुक्ल देखेगा, गांधी जी, टू चंपारण, ये सब चीजें जब आपका देखेगा ना दूर से, तो ही आपको नंबर देना शुरू कर देगा। आप चार नंबर कहा है, इसमें तुरंत आपको तीन नंबर जरूर देगा, ठीक है। अब देखिए इसी तरह अगला भी क्वेश्चन कर लेना है, इसी तरह अब लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आपको कैसे लिखना है, देखिए हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन आंसर नंबर कितना है, आठ, ठीक है, तुरंत आपको डालना है क्वेश्चन आंसर नंबर, क्वेश्चन आंसर नंबर आठ, ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर नंबर आठ डालना है इस तरह से, ठीक है। अब इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आप कौन सा कर रहे हैं उसको डाल देना है, पहला वाला आल द डीप, ठीक है, तो इसमें वाला आप बी वाला करिए, ठीक है, जो आपको आता, जो आपको थोड़ा अच्छा लगे देखने में उसे आपको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आठ बी, ठीक है। अब इस पैसेज को डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ रिच पिकर्स एज डिपिक्टेड इन द लास्ट, इन द लेसन द लास्ट स्प्रिंग, ठीक है, तो आपको रेज पिकर्स एज डिस्पिक्टेड इन द लेसन, यहां से आपको शुरू करना है और उसके बाद द लास्ट स्प्रिंग यहां तक आपको लिखना है। यहां तक लिखने के बाद उसके बाद देखिए रेज पिकर्स ऐसे द रेज पिकर्स, द सबसे पहले आपको लिखना है, किसी को भी लिखें, द रेज पिकर्स, द रेज पिकर्स यहां से लेकर सबसे पहले द लास्ट स्प्रिंग तक आप लिखें, ठीक है, उसके बाद फिर वहीं अनसीन पैसेज में चले जाना है, द रेज पिकर्स तक आपको लिखना है, फिर यहां से आपको उठाना है, ठीक है। देखिए जस्ट, जस्ट से आपको उठाकर, जस्ट से उठाकर नीट तक आपको लिख देना, ठीक है, जस्ट से उठाकर आपको नीट तक लिख देना, या फिर आप यहां से उठाएं, बीकास से उठाकर आप बींग्स तक लिख दें, यहां से आप लिखिए बीकास से उठाकर बींग्स तक, ठीक है, इतना आपको लिख देना है। अब इसी तरह से अब देखिए कौन सा आता है क्वेश्चन आगे, तो आपका सात नंबर का एक क्वेश्चन है ना बाबू, सात नंबर का है, तुरंत आपको पांच नंबर देगा एग्जामिनर, कौनों भी देर नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नौ आता है, रीड द फॉलोइंग स्ट्रक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी आपको एक स्ट्रक्ट दिया गया है, स्ट्रक्ट मीन होता है पोएम दी गई है, अब उसमें क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन का आंसर लिखना, ठीक है। व्हाट इज द, पहले इस पोएम को पढ़ लेना, माई चाइल्ड हुड फियर बट ऑल आई सेड वाज सी यू सोन अम्मा, आई ऑल आई डिड वाज स्मेल एंड स्माइल एंड स्माइल, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, व्हाट इज द फियर दैट हैज ऑलवेज पेन द पोएट्स, अब आपको इसमें लिखना, ठीक है। अब सबसे पहले व्हाट इज द फियर, अब द से शुरू करना है, सबसे पहले इसका आंसर, क्वेश्चन आंसर नंबर डालना है, उसके बाद द से शुरू करके, ठीक है, द फियर यहां तक आपको लिख देना, पोएटस तक लिखने के बाद, ठीक है, पोएटस तक लिखने के बाद आपको माई चाइल्ड हुड से उठाकर इस माई चाइल्ड हुड फियर लिखना, फिर ये वाली लाइन नहीं लिखनी, फिर इस लाइन को लिखकर यहां तक, फिर आपको इसी क्वेश्चन के किसी अन्य क्वेश्चन को लिख देना, ठीक है। वाई देखिए पोएट्स कीप इन स्माइलिंग ओनली, यहां से उठाकर यहां तक आपको लिख देना, तो इस तरह से और कहीं से आपको उठाकर लिख देना, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहां तक क्लियर हो गया, चार नंबर का क्वेश्चन, छह नंबर का क्वेश्चन है, पांच नंबर, चार नंबर इसमें आराम से आपको एग्जामिनर देगा पोएट वाले क्वेश्चन में। अब देखिए सेंट्रल आइडिया आता है, सेंट्रल आइडिया ध्यान से देखना, सेंट्रल आइडिया को कैसे लिखना है, सबसे पहले क्वेश्चन आपको क्वेश्चन आंसर सही से डाल देना, क्वेश्चन आंसर नंबर, क्वेश्चन आंसर नंबर 10, ठीक है। अब 10, अब देखिए इसमें किन से सेंट्रल आइडिया को आप लिखेंगे इसको भी लिखना, जैसे कीपिंग क्विट का आप लिखेंगे तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है कीपिंग क्विट, ठीक है बाबू, बात समझ रहे हैं, ठीक है, कीपिंग क्विट। अब इसको आपको इस तरह से लाइनिंग कर देना है, अब इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है कीपिंग क्विट पोयम, हेडिंग नहीं डालना, सबसे पहले आपको शुरू करना है सेंट्रल आइडिया, इस सेंट्रल आइडिया वाली हेडिंग डालना है, एक चीज छूट रहा था, गलती हुई, सेंट्रल आइडिया,
ठीक है, सेंट्रल आइडिया ऑफ कीपिंग क्विट एक पोयम है, ठीक है बाबू, कीपिंग क्विट पोयम, ठीक है। इतना ना लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, इसी अनसीन पैसेज में चले जाना है, ठीक है, इसी अनसीन पैसेज में, इसी अनसीन पैसेज में चले जाना है। अब देखिए यहां से उठाकर आपको यहां तक लिख देना है, कम से कम 6-7 लाइन आपका हो जाएगा, ये 4 नंबर का है, इसमें तुरंत आपको 2 नंबर मिलेगा, 1 नंबर भी इसमें कम नहीं होगा, ठीक है। तो 10 वाला प्रश्न क्लियर हो गया, अब चलते हैं देखते हैं 11वें प्रश्न में क्या कर रहा है, ठीक है। देखिए 11वां प्रश्न क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबव, यानी जो पहले 8 वाला क्वेश्चन हमने आपको बताए थे ना, 7 वाला, 7 या 8 नंबर का क्वेश्चन था, वही वाला इस प्रोज वाला काम इसमें भी करना। जैसे देखिए क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल फीचर्स ऑफ अंटार्कटिका, ठीक है, ठीक है, क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल फीचर्स ऑफ अंटार्कटिका, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल फीचर्स ऑफ अंटार्कटिका, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें सबसे पहले आपको तुरंत क्वेश्चन का नंबर डालना है, सबसे पहले देरी नहीं करनी है, क्वेश्चन का आंसर नंबर आपको डालना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन का नंबर आपको डालना है, फिर क्या करना है, क्वेश्चन आंसर नंबर 11 है, ठीक है, तो 11 है। अब यहां से आपको सबसे पहले क्वेश्चन आंसर नंबर थोड़ा अच्छे से डालें राइटिंग बैठा कर, ठीक है। देखिए अब देखिए डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल, अब आपको द से शुरू करके यहां तक लिखना है, फिर आपको उसी पैसेज में चला जाना है। अब इस पैसेज में क्या करना है, देखिए इस पैसेज में जाने के बाद देखिए बी काज से उठाकर, बी का से नहीं लिखना, थोड़ा बी से उठाइए ताकि जान ना पाए, इट सब्सक्राइबर से उठाकर यहां तक, इट सब्सक्राइबर से उठाकर गौर तक आपको लिख देना, क्योंकि ये 4 नंबर का क्वेश्चन है बाबू, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अब 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर एग्जामिनर आपको आराम से दे देगा इसमें, बस आपका जो क्वेश्चन में पूछा जाए उसमें 1-2 बार मैच होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या करना है, 11वां प्रश्न फिर 7वां लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इसमें भी आता है, तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए हमने जैसे बताया उसी तरह से आपको लिख देना। अब देखिए सबसे मेन चीज, अब आपकी राइटिंग अगर खराब है तब क्या करेंगे, अब देखिए बाबू राइटिंग अगर आपकी खराब है ना तो कौन डरने वाली बात नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत अगर लिखना चाहते हो, जैसे मेरी राइटिंग भी खराब है, तो ये देखिए खराब तो नहीं लग रही है ना, तो आपको लिखना कैसे, जैसे यहाँ पर हमने लिखा तो यहाँ पर थोड़ा गैपिंग आपको होनी चाहिए, जैसे आई एम सोहन, ये आई लिखिए, फिर यम थोड़ा दूर पर लिखिए, फिर सोहन थोड़ा दूर पर लिखिए, ठीक है, फिर क्या करना है, सोहन आई एम सोहन, फिर जो दूसरा वर्ड लिखिए इसके बीच में लिखिए, जैसे आई गो टू स्कूल, ठीक है, इस तरह से बात समझ, देखिए मैंने खराब लिखा लेकिन फिर भी देखने में अच्छा लग रहा, तो इस तरह से अगर आप लिखोगे फिर आप इस लाइन शुरू करो तो इसके नीचे ना यहां पर शुरू करो, जैसे नेशनल, देखिए नेशनल, अब डेली स्वयं लिखना है तो इसके नीचे ना लिखिए, यहां से छोड़कर यहां तक लिखिए नेशनल डेली स्वयं, ठीक है। अब देखिए ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है, तो आपको राइटिंग आपकी अगर खराब है ना फिर भी अगर आप इस तरीके से लिखोगे ना तो एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा, एक भी नंबर आपका नहीं काटेगा राइटिंग पर, वैसे अगर आपका नंबर काटे तो काटे लेकिन राइटिंग पर आपको अच्छा नंबर देगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से आपको पूरा पेपर हल करना है, जैसे आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया दोस्तों, अगर 100 नंबर का आपका पेपर है ना बाबू तो उसमें से 65-70 नंबर आप आराम से लेकर आओगे, और अगर 70 नंबर का आपका पेपर है ना तो उसमें 40-50 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले, बस इस तरह से करना है जैसा आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया। दोस्तों मैंने बहुत ही आराम से और अच्छे तरीके से आपको बताया है, अगर आपको अब
वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आई हो तब वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। बहुत ही मेहनत लगी आज की इस वीडियो को बनाने में, आपको समझाने में। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो कमेंट में बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और अच्छे से हम आपके लिए वीडियो बनाने लगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद ना आई हो तो इसका रीजन भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ताकि हमको पता चल सके बाबू कि कौन सी वजह है जो हमारे वीडियो में जो आपको अच्छी नहीं लग रही है ना, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। अगर वीडियो ना पसंद आए हो तो वीडियो को डिसलाइक करके कमेंट करके जरूर बताना कि हमें ये चीज़ें आपकी पसंद नहीं आई, उसे हम अगली वीडियो में सुधार लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत, तैयारी करते रहिए।